मैं शशिवाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज मैं यहाँ पर सीडी कोटिंग के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सीडी कोटिंग इज अ कैथोडिक इलेक्ट्रोडिपोजिशन कोटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी इलेक्ट्रोडिपोजिशन कोटिंग होती है ये एक प्रकार की इलेक्ट्रो कोटिंग है और इलेक्ट्रो कोटिंग के फोर मेजर पार्ट्स होते हैं। ये फोर मेजर पार्ट्स आपके डिवाइड होते हैं इस तरह से। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड इलेक्ट्रो डिपोजिशन एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो डिपोजिशन एंड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के बारे में जानने से पहले हम कुछ सिंपल टर्म्स को जान लेते हैं। जैसे कि हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स। बिकॉज अगर हम इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स इन कुछ सिंपल टर्म्स के बारे में नहीं जानेंगे तो इस पूरी डिपोजिशन कोटिंग को समझने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे अगर हम किसी पोलर सॉल्वेंट जैसे कि हमारा वाटर उसमें अगर हम इसे यूज करें तो ये उस ओवरऑल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोकंडक्टिव बना देती है, यानी कि उस पूरे सॉल्यूशन में हमारे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाती है और आपकी करंट फ्लो होने लग जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे मेनली क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। सेकेंड टर्म है आपकी इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली आपके सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। ये सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर किसी भी नॉन मेटेलिक सब्सटेंस जैसे हमारे कोई भी सॉलिड हो गए या फिर लिक्विड हो गए या फिर कोई भी हमारी गैसेस टर्म्स हो गई, उन सभी में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट कैथोड एंड सेकेंड इज एनोड। अब हम बात करते हैं इन कोटिंग्स के बारे में। जो हमारी फोर मेजर टर्म्स थी जिसमें हमारी सबसे पहली टर्म है इलेक्ट्रोलिसिस। मेनली इलेक्ट्रोलिसिस में हमारा वाटर का डिकम्पोजिशन होता है और इस वाटर के डिकम्पोजिशन के थ्रू हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे हाइड्रोक्साइड आयन और जो हाइड्रोजन है वो अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं, बट ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अंडर द इन्फ्लुएंस अगर आप वाटर का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। इफ वी सेपरेट द सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन दिस प्रोसेस कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। यदि हम किसी भी सॉलिड या फिर लिक्विड मीडियम का सेपरेशन करते हैं या फिर लिक्विड या सॉलिड के पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट करते हैं बट इलेक्ट्रिसिटी करंट के अंतर्गत, तो ये चीज हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे कि हम एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, हमारा ब्लड हो गया या फिर कोई भी हमारा बायोलॉजिकल मैटर, इसमें जो आपके सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इन्हें अलग अलग कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रो डिपोजिशन। इलेक्ट्रो डिपोजिशन हमारी बेसिकली डिपेंड होती है इलेक्ट्रोलिसिस पर। इलेक्ट्रो डिपोजिशन में मेनली हमारे जो पार्ट्स होते हैं जिसे हमें कोट करना है उन पार्ट्स पर हम मेटल को कोट करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। यहाँ पर भी हम डीकम्पोजिशन करते हैं और वो जो भी हम सॉल्यूशन यूज करते हैं उसे वाटर के साथ मिक्स करके यहाँ पर हम उसका इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं और फिर उसके बाद हम जिस पार्ट पर हमें जो मेटल कोट करना है उस मेटल को धीरे धीरे डीकम्पोज करके पार्ट के ऊपर कोट करते जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में जैसे कि हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ा कि इसमें सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स को हम सेपरेट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो सेम एज दैट इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस प्रोसेस में हम सिर्फ ओनली लिक्विड पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इन लिक्विड पार्टिकल को सेपरेट करना हमारा एक तरह से ये प्रोसेस भी कहला सकता है कि केमिकल प्रोसेस में हमारे मेनली सिर्फ लिक्विड के ही पार्टिकल्स, यानी लिक्विड जिसमें आपके एक या एक से अधिक लिक्विड का मिक्सचर होता है तो उसमें से अलग अलग लिक्विड को अलग अलग करने के लिए हम जो भी केमिकल प्रोसेस यूज करते हैं उसे हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस प्रोसेस भी कह सकते हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल हम लेते हैं ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ये ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हम
अगर सेपरेट करना चाहें तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करंट का होना आवश्यक होता है। तो ये हमारे फोर मेजर पार्ट्स हैं जिसमें हमने थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंस को अलग अलग सेपरेट किया। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग पे, क्योंकि हमारी सीडी कोटिंग यानी कि कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग टोटली बेस्ड है आपके इलेक्ट्रो डिपोजिशन के प्रोसेस पर। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रो डिपोजिशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रोलिसिस को भी जानना चाहिए। तो जो हमारी इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग है ये वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा इनिशिएट होती है यानी कि प्रारंभ होती है। मेनली जो आपके इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं या फिर इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसमें हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होने के कारण ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाते हैं, जिससे हमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है और हमारा प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिसिस का है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे यहाँ फिगर को ले लेते हैं, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस की तो यहाँ पर हम एक बात लेते हैं जिसमें हमारा वाटर होता है। ये वाटर है हमारा इसमें, बट वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए हम इसमें इस पूरे सॉल्यूशन में एल्कलाइन और एसिडिक सॉल्यूशन भी ऐड करते हैं, जिससे हमारा ये पूरा वाटर क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्हीकल बनने लग जाता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है या फिर यहाँ पर ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर हम दो कंडक्टर्स यूज करते हैं, फर्स्ट हमारा कहलाता है कैथोड और सेकंड होता है हमारा एनोड। यहाँ पर हम एक बैटरी लेते हैं, चाहे वो आपकी 6 वोल्ट की हो या फिर 9 वोल्ट की, लगभग हम अप्रोक्सीमेटली 6-9 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, जिसमें जो हमारा निगेटिव टर्मिनल है उसे हम कैथोड से रिलेट करते हैं और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम एनोड से रिलेट करते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो आपका कैथोड होता है वो कैथोड आपका निगेटिवली चार्ज होता है और जो आपका एनोड होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। इसके बाद जैसे ही इसे हम बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं एनोड और कैथोड को, तो निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन एग्जिट होके कैथोड में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपके इस कैथोड में आते हैं तो जो आपका वाटर का सोल्यूशन है वो धीरे धीरे डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका डिकम्पोज होता है तो कैथोड पर जो आपकी रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं ये इस तरह से देखिए, 2H2+2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे ही आपके वाटर के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर आके स्टार्टिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन जो होती है वो ये बनती है H2+2O2OH-, यानी कि यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोक्साइड आयन्स आपके फॉर्म होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो वो हाइड्रोजन आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती है वो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि निगेटिवली चार्ज होता है इसलिए जो आपके पॉजिटिव आयन होते हैं हाइड्रोजन के वो कैथोड पर आकर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और जो आपके हाइड्रोक्साइड आयन है वो आपके बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से अब आगे बात करते हैं, जब हम एनोड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो वाटर का सॉल्यूशन होता है एनोड पे बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट होते हैं, यानी कि एनोड से आपके इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है और कैथोड पे आपके इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका बाहर जाता है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन आपका होने लग जाता है, इस वजह से हम एनोड पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए जो रिएक्शन होती है वो आपकी ऑक्सीडेशन कहलाती है और यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन होती है वो आपकी रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आपकी ऑक्सीडेशन पे जो रिएक्शन होती है वो इस तरह से होती है, जो आपका वाटर का सॉल्यूशन है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इससे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से दोबारा से निगेटिव सिरे तक पहुंचते हैं और फिर
कैथोड में आना शुरू हो जाते हैं। और जो आपके हाइड्रोजन आयन हैं वो हाइड्रोजन आपके, क्योंकि ये आपका एनोड पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन भी आपके पॉजिटिव होते हैं तो ये इसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और जो आपका ऑक्सीजन आयन है यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो आपके इस पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे ऑक्सीजन इस पर अट्रैक्ट होती है तो एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होने लग जाता है और यहाँ पर आपका रिडक्शन होने लग जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें किसी नॉर्मल सॉल्यूशन की यानी कि इलेक्ट्रो डिपोजिशन की, तो इलेक्ट्रो डिपोजिशन को हम एक तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम हिंदी में ये भी कह सकते हैं कि विद्युत लेपन, यानी कि अगर किसी मेटल की कोटिंग आपको किसी पार्ट पे करनी हो तो उस मेटल को किस तरह से डीकम्पोज करके उस पार्ट के ऊपर कवर किया जाए तो इस चीज को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम एक तरह से इलेक्ट्रो डिपोजिशन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर CuSO4 का ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक जो कैथोड पर जो आपने पार्ट लिया है वो ब्रास का है और इस ब्रास पे आपको जिसकी कोटिंग करनी है वो आपका मेटल जो है वो कॉपर का है, तो कॉपर की आपको कोटिंग करनी है ब्रास के ऊपर, तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन लेंगे वो सॉल्यूशन आपका इस कॉपर से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि आप जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे इसमें वो इलेक्ट्रोलाइट कॉपर से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉपर प्लस SO4 का सॉल्यूशन लेते हैं। CuSO4 का सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आना स्टार्ट होते हैं तो जो CuSO4 है वो आपका डिकम्पोज हो जाता है Cu2+ में और SO4 नेगेटिव में। अब जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन यानी कि जो निगेटिव चार्ज है वो आपके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है यानी कि Cu2+, तो यहाँ पर Cu के जो कंपाउंड्स हैं वो या Cu के जो आपके एटम्स हैं वो धीरे धीरे इसके ऊपर ओवरलैप होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद यहां पर जब हम आते हैं तो यहां पर आपका ऑलरेडी ये कॉपर है, ये कॉपर SO4 यानी कि निगेटिव, क्योंकि कॉपर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपके SO4 यानी कि निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा और ये फिर कॉपर धीरे धीरे SO4 के साथ डिजोल्व होना शुरू हो जाता है जिससे आपका सोल्यूशन कंटिन्यूस SO4 का बनता रहता है। और जब तक आपकी कॉपर पूरी तरह से इसमें डिजोल्व नहीं हो जाती है तब तक ये कॉपर आपकी डीकम्पोज होके ब्रास की सतह के ऊपर ओवरलैप होना शुरू रहती है। जब आपको ये लगे कि आपको डिजायर्ड थिकनेस कॉपर की ब्रास के ऊपर प्राप्त हो चुकी है तो हम इस प्रोसेस को रोक देते हैं और बैटरी को इन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर से हटा देते हैं। यानी कि आपको जब तक डिजायर थिकनेस नहीं मिल जाती तब तक आप इस पूरे प्रोसेस को ऐसे ही चलने देंगे और जो भी आपको मेटल इसके ऊपर कोट करना है वो मेटल की कोटिंग इस पर तब तक होने देंगे जब तक कि आपकी थिकनेस एक इवन थिकनेस ना मिल जाए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैथोड और एनोड की। तो कैथोड पे हमने पहले, मैंने आपको बताया था कि जो आपका कैथोड है वो इलेक्ट्रॉन गेनर होता है यानी कि यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो ये जो आपका कंपाउंड था 2H2 का तो वहां से ये आपका इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो H2+ यानी कि जो आपका मैंने यहाँ पर बताया था जो H+ आयन है इलेक्ट्रॉन उससे अट्रैक्ट करेगा और OH यानी कि जो हाइड्रोक्साइड है ना उन्हें रिप्लेस करता है। अब आगे बढ़ते हैं, एनोड जो आपका होता है वो इलेक्ट्रॉन रिमूवल होता है यानी कि यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं, निकलते जाते हैं और ये इस तरह से कैथोड की ओर मूव करते हैं। जब ये आपके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर मूव करते हैं तो इससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर डीकम्पोजिशन होना भी शुरू हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन आपके किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं और उससे आपकी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है जिससे आपका डीकम्पोजिशन यहाँ पर हो रहा है। तो फिर से आ जाते हैं हम लोग एनोड पर। तो एनोड आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल और ऑक्सीजन गेनर, इसी वजह से यहाँ पर कंटिन्यू ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती रहती है, इसीलिए हम एनोड को ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर कहते हैं और कैथोड जो होता है वो आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कैथोडिक इलेक्ट्रो कोटिंग। वैसे तो CED कोटिंग आपकी सिर्फ कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन है बट मैं आपको यहाँ पर
कैथोडिक के साथ साथ एनोडिक इलेक्ट्रोकोटिंग भी बताऊंगी, क्योंकि इन दोनों को ही बताने से आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है और इंडस्ट्रियली सबसे ज्यादा हम किसे अप्लाई करते हैं प्रोसेस में। तो अगर हम कैथोडिक की बात करें तो जहां पर भी आपका ये माना जाएगा कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन, यानी कि जो आपका पार्ट है दैट बींग बी कोटेड, यानी कि जिसे आपको कोट करना है वो पार्ट आपका कैथोडिक पर होगा, और जिस पार्ट पर आपको जिस सब्सटेंस की कोटिंग करनी है या जिस भी पॉलीमर या जिस भी मेटल की आपको कोटिंग करनी, वो मेटल होगा आपका अपोजिट चार्ज पर यानी कि पॉजिटिव पे। तो अगर मैं कैथोडिक की बात करूं तो कैथोडिक में आपका क्या हो जाएगा, जो पार्ट है आपका जिस पे आपको कोटिंग करनी है वो आपका निगेटिव होगा, यानी कि निगेटिव सिरे से जुड़ा होगा, और जो मेटल आपको या जो पॉलीमर या जैसा पेंट है आपका, तो उसे अगर आपको इस सब्सटेंस के ऊपर कोट करना है तो वो जस्ट इसके अपोजिट यानी कि पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ा होगा। तो इसी तरह से जब हम एनोडिक की बात करते हैं तो एनोडिक में भी आपको अगर एनोडिक इलेक्ट्रोकोटिंग करनी है तो वहां पर जिस पार्ट पर आपको कोटिंग करनी है उस पार्ट को हम एनोडिक पे रखेंगे यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पर, और इस पार्ट पर जिस सब्सटेंस की कोटिंग करनी है उस सब्सटेंस को हम इसके जस्ट अपोजिट यानी कि निगेटिव चार्ज पर रखेंगे। अब फिर से हम आ जाते हैं कैथोडिक इलेक्ट्रोकोटिंग पर। तो यहां पर क्या है, आपने निगेटिव चार्ज पर यानी कि जो आपका कैथोडिक इलेक्ट्रोड था उस पर आप उस पार्ट को रखते हैं जिसको आपको कोटिंग करनी हो, और जिस पॉलीमर या जिस पेंट पार्टिकल की आपको इस पर कोटिंग करनी है पार्ट के ऊपर उसे हम रखते हैं पॉजिटिव चार्ज पर। इससे क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में आपके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन जैसे कि आपको मैंने वाटर बताया था कि ये आपका OH आयन रिलीज करता है, इसी तरह से यहाँ पर आपके हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं जो आपके पॉलीमर के सॉल्टिंग एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली आपके कैथोडिक और एनोडिक इलेक्ट्रोकोटिंग में डीकम्पोजन जो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन होता है जो इलेक्ट्रो डिपोजिशन होता है वो इलेक्ट्रो डिपोजिशन में आपकी ऑक्सीडेशन और जो आपकी रिडक्शन रिएक्शन है वो ना होकर यहाँ पर जो मटेरियल की सॉलिबिलिटी होती है वो चेंज होती है। तो मटेरियल की सॉलिबिलिटी जब आपकी चेंज होती है तो उसमें बस धीरे धीरे आपका जो मैटर है पॉलीमर का या पेंट का वो धीरे धीरे आपके सरफेस के ऊपर यानी पार्ट के ऊपर धीरे धीरे डिपॉजिट होने लग जाता है, जबकि यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अगर आपके होने लग जाएंगी तो आपका मैटर पूरी तरह से डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ कुछ नॉर्मल थिकनेस की यहाँ पर कोटिंग करनी होती है, इसीलिए हम यहाँ पर सॉलिबिलिटी के चेंज को देखते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हम हमेशा कैथोडिक इलेक्ट्रो कोटिंग को एनोडिक के बेसिस पे ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। तो बेसिकली हमारी इंडस्ट्री में कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर देन एनोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग, बिकॉज एनोडिक जो आपका होता है एनोड पे हमेशा रिएक्शन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन। तो इस वजह से जिस भी मेटल की आपको कोटिंग करनी है अगर आप उसे एनोड पे रखेंगे तो ऑक्सीडेशन के कारण वो मेटल धीरे धीरे माइग्रेट होने लग जाता है उस सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में आपने दोनों इलेक्ट्रोड्स को इमर्स कर रखा है। तो एक तरह से हमारा जो मेटल है वो माइग्रेट हो रहा होता है, तो इस तरह से वो इतनी अच्छी आपको कोरोजन प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। अगर इसके अपोजिट हम कैथोडिक में देखें तो कैथोडिक में आपका रिडक्शन रिएक्शन होती है ना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर मेटल आसानी से डिपॉजिट होने लग जाता है सरफेस के ऊपर। इसी वजह से जो आपको सीडी है यानी कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन, यहां पर आपको एक्सीलेंट कोरोजन प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है, जबकि अगर इसके अपोजिट हम देखें एनोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन पर तो यहां पर आपको एक्सीलेंट कलर प्लस ग्लॉस प्रोवाइड होता है और नॉर्मल कोरोजन प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। बट ये जो कोरोजन प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड होती है इन एनोडिक केस, ये आपकी हमेशा सीडी के कंपेयर में हमेशा पुअर रहती है। तो इसी वजह से हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग का। अब इसके प्रोसेस की बात करते हैं कि ये आपकी कोटिंग किस तरह से होती है। तो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारा एक बात होता है जिसमें आपका वो सोल्यूशन
पूरी तरह से मिक्स होता है जिस सॉल्यूशन की आपको कोटिंग करनी हो पार्ट के ऊपर। जैसे अगर आपका पॉलीमरिक मटेरियल कोई या फिर हम पेंट को ले लेते हैं तो उस बाथ टब में आपका क्या होगा, पेंट पूरी तरह से फिल होगा और जिस पार्ट पर आपको कोटिंग करनी है पेंट की उसे हम हमेशा, अगर आप कैथोडिक पे कर रहे हैं तो उसे हमेशा कैथोडिक यानी कि निगेटिव चार्ज पर उसे रखेंगे। और इस दोनों इलेक्ट्रोड्स को यानी कि जो आपका पेंट है और जो आपका पार्ट है उन दोनों को ही हम कनेक्ट कर देते हैं डीसी चार्ज से, ठीक है। और इसके बाद दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को हम उस पार्टिकल में, जैसे आपका पॉलीमर है या पेंट है, उसमें हम पूरी तरह से इसे इमर्स करके रखते हैं। नेक्स्ट, पेंट पार्टिकल या फिर जो आपका पॉलीमर पार्टिकल है वो कंपोनेंट यानी कि पार्ट पर तब तक डिपॉजिट होता रहता है जब तक कि आपको जो इच्छा अनुसार यानी कि जो आपकी डिजायर्ड अमाउंट है थिकनेस की वो थिकनेस आपको ना मिल जाए। कि अगर मान लीजिए हम ऐसा देखते हैं कि अगर कहीं पे भी पार्ट के ऊपर आपके कहीं पे कुछ क्रिवाइसेस हैं या क्रेटर्स हैं, जैसे कि कहीं पे कुछ छोटे मोटे गड्ढे से हैं या फिर कहीं पे होल्स हैं या फिर ये कह रहे हैं इरेगुलर शेप है, तो उन शेप में जब तक आपका पेंट पूरी तरह से फिल होके एक समान थिकनेस की लेयर नहीं बनाता है तब तक हम इस पार्ट पर मैटर को यानी कि पेंट को कंटिन्यू डिपॉजिट होने देते हैं। और जब आपको लगे कि आपको एक इवन थिकनेस मिल गई है तो हम इस डिपोजिशन रिएक्शन को, या फिर जब हम आपको ये लगे कि आपकी पूरी तरह से एक डिजायर और एक इवन थिकनेस मिल गई है, तो हम इस प्रोसेस को, इस अट्रैक्शन को रोक देते हैं। इसके बाद इस पूरी फिल्म को अच्छी तरह से इंसुलेट करते हैं और अट्रैक्शन को करना बंद कर देते हैं। इसके बाद हम इस पार्ट को वॉश करते हैं, फिर उसके बाद हम इसे ओवन में ड्राई करते हैं और फिर किसी भी प्रोटेक्टिव या डेकोरेटिव पर्पस के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं।